जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे भामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में निकली भर्ती के बारे में। इसमें फ्रेंड जो वैकेंसी निकली है आपकी ड्राइवर और आपकी फायरमैन की पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां एक एक करके आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगी। साथ में आप लोगों में ऑफलाइन फॉर्म है उसको फिलअप करने की कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो में देखने मिल जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल जुड़ें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलते रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को। आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर नीचे दिए गए लिंक के द्वारा। तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है जो कि भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की आपकी निकली भर्ती के बारे में बात करते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी के लिए हम इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो फ्रेंड ये आपको ऑप्शन नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकारी नौकरी आपकी भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मैसूर। एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बराक MU MYS आपका 02/2021। यहाँ पर लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 15/10/2021। ठीक है, बहुत समय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इनवाइट फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फॉलोइंग द पोस्ट बाराक। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट कोड दे सकते हैं DR01। यहाँ पे पोस्ट का नाम है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन। यहाँ पे आपकी 16 पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको UR कैटेगरी में 6, OBC में 5, SC में 3, ST में 1, इकोनॉमी सेक्टर में 1 है। लेवल पे लेवल 3 रहेगा। आपकी जो पे है 21,000 की रहेगी। अलाउंस आप दे सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर आपका HSC यानी ठीक है 10+2 यानी आपका होना चाहिए 12th साइंस विद केमिस्ट्री इक्विवेलेंट मिनिमम 50% या मार्क होना चाहिए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद मिनिमम 1 ईयर एट ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफाइड कोर्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज फायर एग्जीक्यूटर ETC आदि का आपका ट्रेनिंग आपका फर्स्ट स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर से। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें यहाँ पे आपका दे रखा है हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर मिनिमम 50 किलो वेट नॉर्मल चेस्ट आपके 81 आपके एक्सपेंस करके 86 और विजन आपका होना चाहिए 6x6 विदाउट वियरिंग ग्लास एनी अदर आपका 8 9 ब्लाइंडनेस। ठीक है, एज लिमिट की बात करें मस्ट हैव कंप्लीट 18 नॉट मोर देन 27 आपके 18-27 के बीच में होनी चाहिए। जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं ठीक है उनके लिए यहाँ पे दे सकते हैं 30 दे रखा है फॉर ओबीसी है उनके 30 SC ST है तो 32 यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पे किस तरीके सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट राइटिंग टेस्ट आपका होगा जो कि दो स्टेज में दोस्त क्वालिफाइड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विल बी अलाउ फॉर आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका जो फिजिकल टेस्ट कर पास करने के बाद ही उनका यहाँ पे अलाउ किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। फिर इसके आपका नेगेटिव मार्किंग होंगे रिटन टेस्ट में। यहाँ पे दे सकते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बात करें 100 मीटर आपको दौड़ना है 25 सेकंड में। आपको लेइंग 4 लेंथ आपका हॉर्सेस ईच 15 मीटर लॉन्ग फॉर्म अप्लायंस 3 नट क्लाइंबिंग ऑन एक्सटेंशन लेडर आपको 10 मीटर लेंथ की आपको कम एंड डाउन ट्वाइस 2 मिनट में। कैरी ए पर्सन अप्रोक्सीमेटली इज ऑन वेट आपको यहाँ पे आपका जो है फायरमैन लिफ्ट मेथड ओवर 25 मीटर 3 मिनट में। पुशअप्स यहाँ पे 220 नोज कंटिन्यूसली 1.6 किलोमीटर रन करना है 10 मिनट में। रो वर्टिकली पाइप क्लाइंबिंग 3 मीटर यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसके दे सकते हैं क्वालिफाई इन द टेस्ट आपका जो है कंपलसरी इज फॉलोइंग विच कैंडिडेट विल बी आपका डिक्लेयर अनफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ क्लियर ही करना है। इसके बाद आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट विल बी कंडक्ट हु क्वालिफाई फिजिकल आपका जो एंड्योरेंस टेस्ट है वो उन लोगों को होगा जो कि फिजिकल टेस्ट पास करेंगे उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट यहाँ पे देखिए उनका जो टेस्ट होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के बाद ही उनको यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, स्टेज टू यहाँ पे आपका प्री टेस्ट होगा जो कि यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 आवर का जिसमें मैथ के 20 आपके साइंस के 20 जनरल अवेयरनेस के 10 रहेंगे। 3 मार्क आपको देंगे प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, 1 नंबर आपका काट लिया गलत आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने। स्टेज टू आपका एडवांस टेस्ट होगा जो कैंडिडेट क्लियरिंग प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उनका एलिजिबल फॉर एडवांस टेस्ट रेस्पेक्टेड ट्रेड आपका होगा जिसमें आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 घंटे का समय 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 3 मार्क दिए जाएंगे 1 नंबर आपके गलत करने का। ठीक है,
इस तरीके से आपके मेरिट, यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, आपकी आपके प्रिपेयर जो कैंडिडेट आपके आफ्टर स्टेट टू के बेस ऑन आपके स्कोर स्टेट टू ओनली, स्टेट टू में आप जो क्लियर करने के उसके अनुसार यहाँ पे किया जाएगा। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है DR02 सब ऑफिस, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, पे लेवल 6, 35,000 रहेगा। आपका एजुकेशन की यहाँ पे बात करें, HSC 10+2 साइंस विथ केमिस्ट्री का रहेगा, 50+ आपके मार्क होने चाहिए, यहाँ पे आपके होने चाहिए, ठीक है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से आपका पर्सनली आप पर्सन हैविंग वैलिड व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हाइट की यहाँ पे देखते हैं 165, 50 वेट, 81 आपका चेस्ट फुलाकर 86, 6x6 होना चाहिए। एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करें, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर आपका लीडिंग फायरमैन, 15 साल का फायरमैन ड्राइविंग कम ऑपरेटर, आपका रिकॉग्नाइज आपका सिविल इंडस्ट्रियल फायर सर्विस स्टेशन इज एसेंशियल, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे बात करें 18 से 40 दे रखी है, 43 OBC की हो, ठीक है, 45 यहाँ पे आपको दे रखा है उन लोगों के जो कि SST यहाँ पे है, ठीक है। सिलेक्शन मेथड की बात करें, सेम यहाँ पे 100 मीटर 25 सेकंड में आपको लेंथ फॉर होर्स ईच 15 लॉन्ग फ्रॉम आपको करना है 3 मिनट में, क्लाइंबिंग एक्सटेंशन 2 मिनट में, ये सब आपको सेम क्राइटेरिया रखा है जैसे ऊपर का है। यहाँ पे भी आपका जो रहेगा आपका प्रीमिली टेस्ट होगा, रिटिन टेस्ट होगा, ये सब आपके होंगे, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे देखने में स्टेज टू की आपको सेम उसी तरीके से रखा गया है जैसे ड्राइवर का था। एज क्राइटेरिया का आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एज रिलेक्शन की यहाँ पे आपको दे सकते किन किन को है वो यहाँ पे आपको दे सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। ऑल इंडिया वैकेंसी एज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम पेटर रहेगा आपको 12th के स्टैंडर्ड के रखेगा, क्योंकि यहाँ पे 12th पास मांगा गया तो मिनिमम यहीं पे आप स्टैंडर्ड का रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे ऑनली डेट आपका बर्थ जो सर्टिफिकेट स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ एज पर द आपका अवेलेबल वैकेंसी, दे आर लाइबल सर्व एनी पार्ट ऑफ इंडिया एनी कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी, ठीक है। कैंडिडेट वर्किंग अंडर सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी, यहाँ पे आपको देख सकते हैं शुड बी सबमिट देयर एप्लीकेशन रूट थ्रू प्रॉपर चैनल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस भामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देयर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आल्सो, ठीक। अब बात करते हैं फ्रेंड हाउ टू अप्लाई के बारे में, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है उसको यहाँ पे ओनली वही है, यहाँ पे आपको दे रखा है एप्लीकेशन आपका आउटर कवर पे आपका होना चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट में एप्लीकेशन प्रपोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, उसका कोड, जैसे आप DR01 के लिए कर रहे हैं उसका DR02 के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर आपको दे रखा है उसका नाम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। कैंडिडेट आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैपिटल लेटर इज ऑन हैंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक रिसेंट साइज का पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो यहाँ पे आपको लगाना है। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे सकते हैं रिटन एग्जामिन होगा। कैंडिडेट शुड बी सबमिट अलोंग विद देयर एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्ट अ सिंगल कॉपी सर्टिफाई, यहाँ पे SSC फॉर द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एज HSC 10+2 यहाँ पे आपको दे सकते हैं कि सर्टिफिकेट दे रखे, सर्टिफिकेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फ्रॉम आपके स्टेट ट्रेनिंग सेंटर से, सब ऑफिसर कोर्स आपका सर्टिफाई फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस से, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर आप SC ST हैं तो उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट रहेगा, इकोनॉमी सेक्टर है वो सबके यहाँ पे सर्टिफिकेट उनका क्राइटेरिया आपको दे रखा, तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाकी आपके दे रखे आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है आपका कश्मीर के हैं तो उनका सर्टिफिकेट है, ये सब यहाँ पे आपके रहेंगे। एडिशनल बेनिफिट के बारे में आपको दे रखा है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ आपको सेंड करना है, पेस्ट कवर फोटो में पेस्ट इन कवर एंड शुड बी कवर आपको सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए जैसे कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे प्लेस कोड का यहाँ पे आपको आना है 15/10/2021 का आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको नीचे फॉर्म देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी अपनी फोटो, यहाँ पे आपको भर रहे हैं तो सुपद का नाम, एप्लीकेशन तो पोस्ट इन बाराक हिंदी अंग्रेजी दोनों, विज्ञापन संख्या आपको दे रखी है, आपका कंप्लीट नाम, आपका नागरिकता बताना इंडियन है, आपका सेक्स बताना है मेल फीमेल है, यहाँ पे जन्म तिथि के बारे में जानकारी देनी है, आपको 15/10/2021 के अनुसार आपकी आयु क्या है उसको यहाँ पे काउंट कर लेंगे गूगल पे जाके, ठीक है। यहाँ पे जेंडर बताना है और ये बताना है SC ST है या नहीं उसके बारे में बताना है, आपका अगर SC ST है तो आपको उपकास्ट के बारे में,
यहाँ पे क्या 1984 में दंगों में 1984 में दंगों से पीड़ित हैं तो उसके बारे में यस या नो करना है, अगर यस है तो उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वो देना है, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो उसके बारे में जानकारी देनी है, क्या आप 1/1/1981 तक के वे कश्मीर जम्मू कश्मीर वांछित रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी देनी है, यस तो उसका डॉक्यूमेंट है, आप केंद्र सरकार व असैनिक कर्मचारी हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई एजेंसी या नो में जानकारी देनी है, ठीक है, यस है तो आपको नेसेसरी जो सर्टिफिकेट है वो, यहाँ पे आपका भूतपूर्व सैनिक है तो उसकी हाँ करते हैं तो उसका नेसेसरी सर्टिफिकेट है वो, आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके बारे में सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा है आपको पता बताना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस स्थायी पता, तो दोनों आपके अलग अलग है तो आपको अलग अलग जानकारी देनी है, तो यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे आपको बताना है, शैक्षिक आपकी जो योग्यता है उसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है, हाई स्कूल से शुरू करते हुए यहाँ पे स्टार्टिंग करना है, एसएससी से 12th तक यहाँ पे आपको बताना है, यूनिवर्सिटी बोर्ड जिस बोर्ड से किया है, जिस भी आपका बोर्ड है सीबीएसई आईएससी आपका स्टेट बोर्ड है उसकी जानकारी देंगे, किस साल पास किया उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है, वर्ष के बारे में, सब्जेक्ट कौन से तो वो यहाँ पे दे सकते हैं, अधिकतम मार्क्स क्या आते हैं, जैसे कि 600 में से आपको मिले हैं 350-400 यहाँ पे आपको बताना है, कि अंकों के प्रतिशतता के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे एचएससी के इसी तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र से आपको यहाँ पे अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है तो कोर्स किया है तो उसके बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे सकते, भारी वाहन चलाने का लाइसेंस है उसके बारे में आपको बताना है, लाइट आपका ड्राइविंग लाइसेंस भारी वाहन उसके बारे में जारी तिथि ड्राइविंग लाइसेंस संख्या, इसी तरीके से वर्तमान में आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में कोर्स की यूनिवर्सिटी का आपका मार्क ऑप्टेन उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, अनुभव के बारे में बता सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है उसके कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दे सकते हैं, पता आपको जहाँ पे काम करते थे क्या पद पर थे आपका किस टाइप का था, सेंट्रल था स्टेट था ऑटोनोमस बॉडी थी कब से लेकर कब तक परमानेंट थी टेम्पररी थी किस वजह से छोड़ा है आपको क्या पद आपको यह कोई बॉन्ड है यदि है उसके बारे में जानकारी वैलिडिटी के बारे में बताना है, परमाणु ऊर्जा के इकाई संगठक के कार्य विवरण दे सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से काम किया तो उसके बारे में अंग्रेजी हिंदी के माध्यम चिन्हित कर सकते हैं, डिक्लेरेशन आ रहा है यहाँ पे आपका पता जहाँ से आप भर रहे हैं जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली का लिख दूंगा डेट यहाँ पे आपको करना है वो यहाँ पे जानकारी देनी है यहाँ पे आप सिग्नेचर आपको बताना है इस तरीके से यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है, तो ये आपका फॉर्म है यहाँ पे आपको चेकलिस्ट बतानी है आपको कौन कौन सा आपने भेजे हैं आपका लिखित परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में निकली आपकी ड्राइवर की पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर हमारे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।